Welcome to Rizvi's e-learning channel. हाँ तो क्लास आज हम लोग देखेंगे हमारे DBMS का अगला टॉपिक है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था आपका कंस्ट्रेंट्स वगैरह देखे थे, उसमें हमने बताया होगा। फिर अब है SQL के बारे में, इंट्रोडक्शन ऑफ SQL, फिर SQL की क्वेरीज हो गई, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। तो बेसिकली SQL में क्या है, कैसे करना है, वो कहाँ कहाँ पे हमारे DBMS में उपयोग में आता है, ये चीज़ों को हम समझेंगे। तो चलिए हम इसको पहले SQL समझते हैं क्या है। तो ये एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। SQL is a standard database language which is used to create, maintain and retrieve। मतलब ये एक ऐसी standard database language है जो कि उपयोग में लाई जाती है create करने में, maintain करने में या फिर retrieve करने में data को from relational database। रिलेशनल डेटाबेस से क्रिएट, रिट्रीव और मेंटेन करने के लिए इसका हम उपयोग करते हैं। चलिए फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि MySQL से, Oracle से और SQL सर्वर से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, इट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग एंड मैनेजिंग डेटा इन RDBMS। RDBMS क्या है? DBMS का तो फुल फॉर्म जानते ही हैं। यहां पे हो जाएगा रिलेशनल, R refers to relational, relational database management। ठीक है, तो अगला ये कहते हैं इट इज अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर RDBMS। मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। फिर आगे कहते हैं इट एनेबल्स यूजर टू क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट रिलेशनल डेटाबेस एंड टेबल। मतलब ये जो भी यूजर इसको यूज कर रहा है, जो भी जैसे हम हैं, आप हैं या कोई भी यूजर है, जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में SQL का यूज कर रहा है, उसको ये एनेबल करता है क्रिएट करने के लिए, कोई टेबल को बनाने क्रिएट करने के लिए, उसको रीड करने के लिए, उसमें कोई अपडेशन है तो उसको अपडेट करने के लिए, उसमें कुछ डिलीट करना है, कोई रॉन्ग इंफॉर्मेशन चली गई है या कोई एम्प्लॉई, मान लीजिए एम्प्लॉई अगर कोई छोड़ करके चला गया है तो उस चीज को डिलीट करने के लिए भी यूज होती है। किसमें? रिलेशनल डेटाबेस में और टेबल्स में। चलिए होप कि आपको ये इंट्रोडक्शन SQL का, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा इसकी क्वेरीज और इसमें कुछ तरह की क्वेरीज होती हैं, क्वेरीज समझ लेते हैं। तो अब हम थोड़ा सा SQL हमने पिछली उसमें समझा पीछे, अब हम SQL की क्वेरीज देखेंगे, क्वेरीज देखेंगे, उसकी सब क्वेरीज देखेंगे। सिलेबस में आपके होगा क्वेरीज होगा, सब क्वेरीज होगा और थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह थ्योरेटिकल पार्ट है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स हम समझ लेंगे आगे पीछे, पहले क्वेरीज देख लेते हैं। तो क्वेरीज में ये कह रहे हैं SQL इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज दैट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग, मैनिपुलेटिंग एंड रिट्रीविंग डेटा इन स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। मतलब SQL एक ऐसी कंप्यूटर लैंग्वेज है दैट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग, मतलब स्टोर करने के काम में आना, मैनिपुलेट करना, मैनिपुलेट मतलब जो आप डिलीट, एडिट, फिर उसके बाद अपडेट ये सब कर रहे हैं उसमें आना, फिर किसी डेटा को रिट्रीव करना,
डेटा इन स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में ये सारे काम ये करता है विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल क्वेरीज। वही हमने बताया एसक्यूएल क्वेरीज की ही तो हेल्प से ये चीजें हो रही हैं। वी कैन हैंडल अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, मतलब एक बड़े अमाउंट डेटा का, एक बड़ा अमाउंट इससे हम एसक्यूएल क्वेरी से एसक्यूएल यूज करके हम इसको हैंडल कर सकते हैं। चलिए तो अब पहली, अब इसमें कुछ क्वेरीज हैं, उनकी सब क्वेरीज हैं, तो क्वेरीज समझना शुरू करते हैं। ये पहली क्वेरी है शो एग्जिस्टिंग डेटाबेस, ठीक है। अब एग्जिस्टिंग डेटाबेस में क्या है, लेट अस कंसीडर द एग्जिस्टिंग डेटाबेस लाइक इंफॉर्मेशन स्कीमा। अब किसी की इंफॉर्मेशन स्कीमा हमको वो करना है, तो यहां पे आया डेटाबेस, फिर इसका आउटपुट आया एग्जिस्टिंग डेटाबेस नेम, ठीक है, क्योंकि इंफॉर्मेशन स्कीमा जो है एक उससे आ रहा है ना, जो यहां पे आपसे कहा गया था, कहां है, मैनिपुलेटिंग रिट्रीविंग स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, ठीक है। ये पहली क्वेरी हो गई। अब आगे की क्वेरीज देखते हैं। तो अगली क्वेरी है इसकी सेकंड क्वेरी, पहली क्वेरी हम समझ ली है, दूसरी क्वेरी ये है, दूसरी क्वेरी है ड्रॉप अ डेटाबेस। अब किसी डेटाबेस को ड्रॉप करना है, तो सपोज वी वांट टू ड्रॉप द डेटाबेस नेमली स्टूडेंट। अब हम क्या कर रहे हैं कि मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट नाम का डेटाबेस है, उसको ड्रॉप करना है, तो हम क्या यूज करेंगे, ड्रॉप डेटाबेस स्टूडेंट शो डेटाबेस, ठीक है, ये हम यूज करेंगे। अगली क्वेरी देखते हैं। ये हम लोग एसक्यूएल क्वेरीज का पूरा एग्जांपल और सब कुछ समझ रहे हैं, ठीक है। सपोज वी वांट टू क्रिएट अ डेटाबेस नेमली अ बैंक। अब वहां पे ड्रॉप कर रहे थे, अब यहां पर क्रिएट करना है, तो फिर हम किसका यूज करेंगे, क्रिएट डेटाबेस बैंक, ठीक, फिर उसके बाद शो डेटाबेस। आगे चलते हैं, चौथी देखते हैं, यूजिंग डेटाबेस। अब हम किसी डेटाबेस को यूज कैसे करना है, तो इसमें क्या यूज करेंगे, यूज बैंक, ये जो यहां हमने क्रिएट किया बैंक का, तो अब उसको यूज करना है, तो ये हुआ। पांचवे में क्या कह रहे हैं देखते हैं, हियर डेटा टाइप मे बी वर्कर इंटीजर डेट। यहां पे डेटा टाइप कई प्रकार के हो सकते हो, तो इसमें क्या करेंगे, क्रिएट टेबल नेम, ठीक है। अब हमने क्रिएट टेबल, टेबल नेम के एक टेबल क्रिएट करी है, इसमें कॉलम वन बनाया टाइप, ठीक है, डेटा टाइप, फिर कॉलम टू बनाया डेटा टाइप। अब इस तरह से यहां पे दो कॉलम हमने एग्जांपल के तौर पे लिए हैं, ये डॉट 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 है, मतलब मल्टीपल कॉलम, जितनी टेबल जितना आपको जरूरत पड़ती जाए उतना आप कॉलम बनाते चले जाएंगे। तो ये पांचवी क्वेरी हो गई। चलिए अब आगे की क्वेरी समझते हैं। अब देखिए, अब इसमें अगली क्वेरी आ रही है, क्वेरी सेवन, सेवन सिक्स, सिक्स क्या कहती है, अब इसमें टेबल को शो करना है। अभी तक हम लोग बना रहे थे, क्रिएट कर रहे थे, अब इसको शो करना है, तो ये कह रहे हैं कि शो टेबल इन द सेम डेटाबेस, मतलब टेबल को शो करना है, तो यहां हम यूज करेंगे शो टेबल। नेक्स्ट क्वेरी है ड्रॉपिंग टेबल, अब टेबल को ड्रॉप करना है, तो उसमें क्या यूज करेंगे, ड्रॉप टेबल, टेबल नेम, ठीक है। अब क्वेरीज अंडर क्वेरीज जैसे होती हैं थोड़ी सी, उसको भी हल्का फुल्का हम लोग समझने की कोशिश कर लेते हैं। तो इसमें एक जो है जॉइनिंग थ्री और मोर टेबल्स, मतलब कैसे तीन या तीन से अधिक टेबल होंगी तो उसको हम ज्वाइन करेंगे। फिर अगला है एसक्यूएल क्वेरी फॉर रिट्रीविंग टेबल्स। अब हम एक और क्वेरी चला रहे हैं, किस लिए, टेबल्स को रिट्रीव करने के लिए। तो इसमें क्या होगा, दिस क्वेरी कैन बी रन टू रिट्रीव
जैसा कि नाम है देखिए रिट्रीव करने का, तो ये क्वेरी हम चलाते हैं रिट्रीव करने के लिए, द लिस्ट ऑफ टेबल्स प्रेजेंट इन डेटाबेस, मतलब जो टेबल्स प्रेजेंट हैं डेटाबेस में उसकी उसकी रिट्रीव करने के लिए, उसको रिट्रीव करने के लिए हम इस टेबल को, इस क्वेरी को चला रहे हैं। वेयर द डेटाबेस इज माई स्कीमा, मान लीजिए कोई डेटाबेस है माई स्कीमा, उसमें से हम चला रहे हैं, तो इसमें क्या चलाएंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम माई स्कीमा डॉट टैब, ठीक है। तो ये कुछ क्वेरीज हो गई, क्वेरीज क्वेरीज के अंदर सब क्वेरीज इधर चलेंगी। तो चलिए अब और आगे देखते हैं कि आगे क्या है, कौन कौन सी क्वेरीज चलेंगी। चलिए तो अब हम और आगे की क्वेरीज समझते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहे हैं क्वेरी फॉर रिट्रीविंग अ व्यू, मतलब व्यू को रिट्रीव करना है तो क्या क्वेरी चलाएंगे। द स्टैंडर्ड सिंटैक्स ऑफ सिलेक्टिंग द एट्रीब्यूट्स फ्रॉम अ टेबल इज एप्लीकेबल टू व्यू एज वेल, ठीक है। अब इसमें हम क्वेरी चलाएंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फेलिंग स्टूडेंट। नेक्स्ट है मैनिपुलेशन के लिए, मैनिपुलेशन देख लेते हैं, डेटा मैनिपुलेशन क्वेरी यूजिंग काउंट। दिस क्वेरी डिस्प्लेज द टेबल नंबर ऑफ कस्टमर बाय काउंटिंग ईच कस्टमर आईडी, मतलब ये क्वेरी टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स में से काउंट करती है हर कस्टमर को कस्टमर आईडी के अनुसार। इसमें क्या चला, सिलेक्ट काउंट कस्टमर आईडी कॉमा सी, ठीक है। ये सब क्वेरीज चल रही है। क्वेरी फ्रॉम सिलेक्टिंग कॉलम्स, अब कॉलम्स में से हमको क्वेरी को सिलेक्ट करना है। This is the most useful SQL query. अब भाई कॉलम में से किसी क्वेरी को सिलेक्ट करना है तो हर टेबल में कॉलम्स होंगे, उन कॉलम्स में से एक सिलेक्ट करना है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कही जाती है। ये क्या है, सिलेक्ट स्टूडेंट, अब हम स्टूडेंट का ले रहे हैं, स्टूडेंट स्टूडेंट आईडी, ठीक है। स्टूडेंट आईडी लिए फ्रॉम स्टूड नाम का एक वो बना हुआ है, उससे हमको स्टूडेंट आईडी से हमको सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब डेटा मैनिपुलेशन क्वेरी चलेगी यूजिंग सम, सम का यूज करते हुए, तो यहाँ चलेगी सिलेक्ट सम, अब हम सैलरी ले रहे हैं मान लीजिए सैलरी का, फ्रॉम एम्प्लॉई, मतलब सम कर रहे हैं, सम वाली क्वेरी चल रही है ना यूजिंग सम, तो सिलेक्ट सम फ्रॉम एम्प्लॉई, ठीक है। तो हमें लगता है कि ये आपका क्वेरी हो गया, ये सिलेबस में आपका एसक्यूएल हो गया, क्वेरीज सब क्वेरीज, अच्छा डेटा टाइप इंटरल्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस और आपके कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह बच रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्वेरीज हमने आज डिस्कस किया, एसक्यूएल क्या होता है, एसक्यूएल के बेसिक्स हमने डिस्कस किए, एसक्यूएल के बारे में हमने देखा, एसक्यूएल क्वेरीज सब क्वेरीज कैसे कैसे चल रही है ये हमने देखा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा सा थियोरेटिकल है, थियोरेटिकल ही रहेगा, आपके एडवांटेजेस देखेंगे, थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेंगे। वैसे तो हमें लगता है कि आप लोगों को इतने से ये समझ में आ रहा होगा कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकते हैं। तो ठीक है क्लास, आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके एडवांटेजेस और जैसा कि आपके सिलेबस में दिया है कैरेक्टरिस्टिक्स और इन सबको डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास।